दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं आज फिर एक प्रोडक्ट लेकर उसका नाम है माइसेफ ओ ड्राई सिरप। तो दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो नीचे देखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे एक बार आप लोग क्लिक कर लेंगे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और वहीं पर एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप लोग दबा लीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर ही कर ले, क्योंकि मेरा हर रोज एक नए वीडियो आता है जो कि हेल्थ से रिलेटेड रहता है, जो कि सभी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ता है। और दोस्तों वीडियो के पूरे अंत तक बने रहेंगे बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी बिना कुछ छूटे हुए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। यह दोस्तों माइसेफ और ड्राई सिरप है, जो कि यह माइक्रोलैब कंपनी का था। यहाँ पर देख सकते हैं इसका लोगो लगा हुआ है और इसकी MRP है 48 रुपीज़, यानी कि 48 रुपये इसका MRP है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। यह दोस्तों 30 ml के पैक में आता है, जो कि देख सकते हैं इस तरह का रहता है। ये कांच की बोतल में आता है और ये ड्राई रहता है। इसको बनाने का तरीका भी रहता है, इसको बनाना भी पड़ता है। इसको अच्छे से गर्म पानी कर लेंगे और नॉर्मल करने के बाद ये देखते होंगे यहाँ पे एक कांच का लकीर बना होगा, यहाँ तक पानी मिला लेंगे और उसके बाद देना है। और कोई भी जो एंटीबायोटिक है, जो कि आपको ड्राई पाउडर रहता है बनाने वाला, वो 1 सप्ताह के अंदर ही उसे यूज कर लेना रहता है, नहीं तो आपको 1 सप्ताह के बाद वो ख़राब हो जाता है। आपको लिखा हुआ भी होगा, देख सकते हैं उसके, यहाँ पर देख सकते हैं 7 डेज़, ठीक है। ये डिजॉल्व करने के बाद 7 डेज ही से आप रख सकते हैं, उसके बाद आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका कंपोजिशन दोस्तों सिफेक्सिम होता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। ये किन किन चीज़ों में काम करते हैं वो बात करते हैं। यह दोस्तों एक तो ये एंटीबायोटिक दवा है, ये सबसे पहली नंबर बात की है, एक एंटीबायोटिक दवा है, जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होती है तो उस कंडीशन में आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद बुखार अगर हो रही है तो बुखार का दवा के साथ में आप इस एंटीबायोटिक को ले सकते हैं। उसके बाद खांसी में ले सकते हैं, सर्दी में ले सकते हैं, ज़ुकाम में ले सकते हैं, उल्टी में ले सकते हैं, अगर आपको दस्त हो रहा है उसमें ले सकते हैं, गले का इन्फेक्शन हो उसमें ले सकते हैं, टॉन्सिल बढ़ा हुआ है उसमें ले सकते हैं, निमोनिया है उसमें ले सकते हैं, उसके बाद सुजाक है उसमें ले सकते हैं, उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन अगर बच्चे को आपको हो चुका है तो उसमें भी आप इसे दे सकते हैं, उसके बाद पेशाब में रुकावट हो उसमें दे सकते हैं, उसके बाद स्किन इन्फेक्शन अगर बच्चों को हो चुकी है तो उसमें भी आप इसे दे सकते हैं, उसके बाद टाइफाइड बुखार हो चुका है उसमें दे सकते हैं, उसके बाद नाक अगर बहता है उसमें दे सकते हैं, उसके बाद नाक का इन्फेक्शन हो या तो कान का इन्फेक्शन हो या तो साइनस हो, उसके बाद फेफड़ों का प्रॉब्लम हो तो उसमें आप इसे दे सकते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन देना है दोस्तों, ये मेडिसिन ऐसा नहीं कि एक ही वही चीज़ में काम करेगा। अगर आपको बुखार होती है तो बुखार का दवा लेना होगा, उसके साथ में ही एंटीबायोटिक लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बुखार होने पर सिर्फ ये बुखार दीजिएगा तो बुखार गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान देना, ये एक एंटीबायोटिक है, जो कि कोई भी मेडिसिन लेते हैं बुखार का हो, उल्टी का हो, दस्त का हो, तो उसके साथ में एक एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है, ताकि हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो हुआ है वो रोकने में मदद करेगा, वो नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये इसका ये रहता है। और डोजेस की बात करेंगे तो डोजेस दोस्तों वो सिम्टम के अनुसार होगा बच्चों के लिए, इसलिए आपको देखने के बाद ही बता सकते हैं कि हाँ क्या इसका डोजेस बनेगा, ठीक है। तो अगर उस तरह का आपको होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर देखिएगा, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो डोजेस के बारे में, या तो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किन्हीं को एडवर्टाइजमेंट करवाना हो या तो स्पॉन्सरशिप के लिए कॉन्टैक्ट करना होगा, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसे लगी, जानकारी आपको कैसी मिली और जरूर बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके। अगर जानकारी अच्छी मिली तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।